नारायण सेवा संस्थान एवं सेवा परमो धर्म संस्थान द्वारा हृदय रोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त निर्धन एवं असहाय बच्चों का भारत के विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है। नाथूलाल है, सज्जनगर कच्ची बस्ती में रहता हूँ और इसको बाल में कुछ छेद बताया डॉक्टर ने, तो बात सुनते ही मेरे को बहुत दुख हुआ था। बताया कि डॉक्टर ने कि इसका 1.5-2 लाख का खर्चा हो सकता है इसके साथ, तो मैंने कहा इतना तो हम गरीब स्थिति हैं, मैं करवा नहीं सकता हूँ इतना इलाज। तो 100-150 रुपये का काम करता हूँ, रोज़ मजदूरी करता हूँ, जो महीने में 20 दिन काम मिलता है, 20 दिन नहीं मिलता है, चौराहे पर खड़ा रह के मजदूरी करता हूँ। जना खाने वाले सासू ससुराल और बहुत बुड्ढे, वो 4 बच्चे हमारे, और मेरे को इतना दुख होता है, रात को सोती है तो ये परेशान करती है, पापा सीने में दुख रहा, आज पेट में दुख रहा, आज यहाँ दुख रहा, बहुत परेशान करती है। जी दुख रहा था, आधे घंटे वहीं पड़ी रहती है, फिर कोई बोलते कि तुम्हारे कोई घर पे आके बोले कि तुम्हारी लड़की वहीं पड़ी, तो फिर मैं जाके इसको लेके आती। इनको देख देख के हमको खाना भी नहीं खा सकते, ऐसी परेशानी हो रही है बहुत ज़ोरदार, पास में बैठ के सब रोने लग जाती इसकी हालत देख देख के, ये हालत हो रही है हमारी। लेकिन तभी पता चला उन्हें सेवा परमो धर्म ट्रस्ट का, तुरंत संपर्क किया डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल से। और मैं बहुत दुखी था पहले, ये बच्ची बीमार रहती थी, तो फिर सेवा परमो धर्म वाले मिले हमारे को, प्रशांत जी वैसा मिले, नारायण हृदयालय बेंगलोर भेजा हमारे को। भारत के नारायण हृदयालय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेंगलोर से ऑपरेशन करवाने का निश्चय किया गया। मुश्किल ऑपरेशन के बाद जिंदगी बच गई और हम इलाज करवा के वहाँ से आराम से आए, और अब मेरी बच्ची बहुत अच्छी है और इनके कृपा से दया से सब कुछ अब अच्छा हुआ है। परिवार पीड़ा मुक्त हुआ, परमात्मा को पहली बार पाया प्राणियों में जो बनकर आए सहयोगी। ऑपरेशन करवाने का संपूर्ण खर्च दादा कान लखानी ने वहन किया। तो इनकी कृपा से धन्यवाद।